गाइस वेलकम टू माय चैनल लेबीरॉक्स सिम जापानीज लीग का दोपहर को पहला मैच खेला जाएगा। दिन का पहला मैच, मतलब दिन में तो हो चुका है वैसे, लेकिन दोपहर का पहला मैच होगा अविस्पा फुकुओका वर्सेस क्योटो सांगा के बीच, जो कि है 3 बजे, 3:30 बजे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, तो बात करें इस मैच की, तो मैच इज़ लिटरली अमेजिंग। ऐसा है कि FKK एंड KYS में मेरा जो फेवर है वो मोस्टली मेरा जो रहेगा वो अविस्पा को रहेगा। FKK टीम ने जो किया है ना इस साल, जो शुरुआत में जो टॉप 10 पे ये टीम है, मतलब कहने को तो ये 6ठे नंबर पे है, लेकिन टॉप 10 में ही गिनी जाएगी, टॉप 5 में नहीं। और क्योटो सांगा टॉप 15 से बाहर है, तो यार ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अविस्पा के लिए ये मैच जीतना। आपको रैंकिंग देख के ही जीत लेना चाहिए ये मैच, मैं तो कहूँगा FKK को। तो FKK के साथ ही हूँ मैं, आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहले मेरी टीम में जो रहेगा दैट वाज वेलिंगटन लुइस डिसूजा ने। भले ही इस मैच में ज़्यादा गोल ना किए हों, इस सीज़न ज़्यादा गोल ना किए हों, फिर भी इस बंदे ने मेरा दिल जीत लिया भाई। मतलब जिस हिसाब से इसकी कोशिशें रहती है मैच में कि मैं हर मैच में कुछ करूं, जिस हिसाब से इसका प्रयास रहता है, जब तक ये कोशिश ही ना करे तो गोल तो आएगा ही नहीं, लेकिन ये बंदा कोशिश कर रहा है। और मुझे पता है कि आने वाले टाइम का ये अविस्पा का मेन प्लेयर है, ये अभी नहीं चल रहा, ये लोगों को लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब जो ये प्लेयर है ना, लिटरली इज़ अमेजिंग प्लेयर। और सेटो की बात करूँ तो देखो सेटो खेलता है तो आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा कि टी हारा को पहले आप पक्का कर लीजिए, ये ना हो गलती के चक्कर में आप टोकोकावा को लेने के चक्कर में उसको छोड़ दें। इसलिए टोयोकावा को तो चलो मैं लेता नहीं। और बात रही सेटो की वो लोग से को सेटो को वो लोग ले सकते हैं जिनको लगता है कि वो गोल कर सकता है, ठीक है। मैं ये प्रेडिक्शन पे बात छोड़ता हूँ, यहाँ पर एनालाइजमेंट की काम ख़त्म हो जाता है। एनालाइज उसको कहते हैं जहाँ पर हमें उम्मीद हो, मुझे इस प्लेयर से उम्मीद नहीं है। सो मैं पर्सनली आई एम विद ओनली दिस टू प्लेयर। और आगे मिडफील्डिंग की बात करें कि कौनो है ना, के कौनों के बाद यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट प्लेयर है वो है इवासाकी। अगर इवासाकी नहीं खेलता तो HMI, वैसे दोनों को आप ले सकते हो, दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि इवासाकी बहुत बड़ा खिलाड़ी, कुछ नहीं है भाई साहब, छोटा प्लेयर। अगर हम मई के साथ जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात करें कावासाकी के बाद मैट्सुडा, ये दोनों अच्छे प्लेयर यहाँ पर अमेजिंग गेम प्ले दे सकते हैं। असल में मैं वेट कर रहा हूँ टूलियो कब चलेगा, जिस दिन टूलियो चल गया ना आप किसी और प्लेयर की तरह मुड़ के भी नहीं देखोगे। एंड बात करें डिफेंडिंग की, तासेहिरो डीमिया एंड आईओडा के साथ यहाँ पर मैं जहाँ पर जाने वाला हूँ। और एक प्लेयर जो होगा दैट वाज फुकुडा, जो कि ऑटो सांगा करेगा। एंड गोलकीपिंग सेक्शन में हम लेंगे जी संगयन को। ये जो हमारी टीम है जिसके अंदर ये जो आप 3 डिफेंडर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर मेन काम इनका ही है, क्योंकि मैं आपको सही मायने में बताऊँ तो मिडफील्डिंग बहुत कमज़ोर है FKK की। जिस हिसाब से इन्होंने HMI और कोनो को भेजा है, मुझे नहीं लगता कि ये काम आएंगे। मेन काम स्ट्राइकिंग एंड डिफेंडिंग का है, मैं पहले ही बता दूँ। इसलिए कप्तान जो मेरा है दैट वाज वेलिंगटन, और जो मेरा वाइस कप्तान है वो अपोजिशन टीम का टी हारा रहेगा। भले ही ये टीम 6ठे नंबर पे रैंक कर रही हो, लेकिन ये जो 17 वाली भी है ना भाई, ये पहले सीज़न किसी से कम नहीं थी, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि FKK टीम की ना प्लेयरिंग जो स्क्वाड है ना वो थोड़ा कमज़ोर है। तो ये हमारी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।